हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर को पढ़ने से पहले हमको तीन टॉपिक्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स सब मॉड्यूल्स, नंबर सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट से बना हुआ है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ वर्क करता है। हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में और हमें आउटपुट मिलता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। दो तरह के इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस होते हैं और डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो वर्क करता है कंटिन्यूस सिग्नल के साथ वो कहलाता है एनालॉग डिवाइस, और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो वर्क करता है डिस्क्रीट सिग्नल के साथ वो कहलाता है डिजिटल डिवाइस। वर्तमान समय में बहुत सारे कंप्यूटर्स डिजिटल में हैं, डिजिटल हैं क्योंकि वो डील करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है जो दो तरह के सिग्नल्स पर वर्क करता है। हम इन दो तरह के सिग्नल्स को बोल सकते हैं हाई और लो। हाई लेवल सिग्नल बेसिकली होता है, बेसिकली कॉरस्पॉन्ड करता है कुछ हाई लेवल सिग्नल को जो कि हो सकता है 5 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट, और लो लेवल सिग्नल बेसिकली कॉरस्पॉन्ड करता है लो लेवल सिग्नल को जो कि हो सकता है 0 वोल्ट। ये एक कन्वेंशन है जिसको बोला जाता है पॉजिटिव लॉजिक। इसके अलावा और भी बहुत सारी कन्वेंशन है जैसे कि नेगेटिव लॉजिक। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो हमें डील करना पड़ता है दो तरीके के इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ। लेकिन जब हम एक कंप्यूटर सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं या फिर अंडरस्टैंड करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ कंप्यूटर, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है ये लिखना कि क्या हमें 0 वोल्ट के साथ वर्क करना है या 5 वोल्ट के साथ। तो इसलिए इस चीज़ को कन्वीनियंट या इसलिए बनाने के लिए हम कुछ लॉजिकल वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि लो यानी एल जो कि रिप्रेजेंट करता है 0 वोल्ट को, और हाई यानी कि एच जो कि रिप्रेजेंट करता है 5 वोल्ट को। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दोबारा हम ये कहें तो हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंट के साथ वर्क करना कन्वीनियंट नहीं होता है, तो इस पर्पस के लिए हम एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं। इस कन्वेंशन में हमने 0 को रिप्रेजेंट किया है लो से और 1 को रिप्रेजेंट किया है हाई से। 0 मीन्स लो, 1 मीन्स हाई। किसी भी कंप्यूटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानने के लिए हमें सिर्फ 2 न्यूमेरिकल सिंबल जैसे कि 0 और 1 का इस्तेमाल करना है। कंप्यूटर की सारी फंक्शनैलिटी कैप्चर होती है 0 और 1 के साथ, और इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कॉरस्पॉन्ड करता है बूलियन अलजेब्रा की 2 वैल्यूज़ को। 0 और 1 सिंबल के साथ हमने एक मैथमेटिकल सिस्टम बनाया है जिसे कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए और कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के लिए। इस इंफॉर्मेशन को बेसिकली 0, 0 और 1 के स्ट्रिंग में स्टोर किया जाता है। इंफॉर्मेशन का सबसे छोटा यूनिट जो कि रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे बोला जाता है बिट यानी कि बाइनरी डिजिट, जो कि होता है 0 या 1। 4 बिट को एक साथ बोला जाता है निबल, और 8 बाइट्स को एक साथ बोला जाता है, और 8 बिट्स को एक साथ बोला जाता है बाइट। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत ही इंक्रेडिबल इम्प्रूवमेंट हुए हैं पिछले हाफ सेंचुरी में। कंप्यूटर इवोल्यूशन में कोई भी, जब कंप्यूटर इवोल्यूशन की बात होती है तो तब कोई स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर नहीं था, तो कंप्यूटेशनल पावर जो थी वो लेस थी और कंप्यूटर का साइज बहुत ज़्यादा था। आज के समय में यदि आप पर्सनल कंप्यूटर को देखें तो उसका कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा है, मेन मेमोरी ज़्यादा है, डिस्क स्टोरेज ज़्यादा है, साइज छोटा है और कॉस्ट में अफोर्डेबल है। इस तेज़ी से बढ़ते हुए इम्प्रूवमेंट के कारण टेक्नोलॉजी में भी बदलाव हुआ है, जिससे कि कंप्यूटर बनाने में और कंप्यूटर डिज़ाइन की इनोवेशन में भी बढ़ोतरी हुई है। तो कंप्यूटर का डिज़ाइनर का टास्क बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमें ये चीज़ डिटरमाइन करना पड़ता है कि एक न्यू मशीन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद हमको ये डिज़ाइन करना पड़ता है कि एक मशीन कैसे परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जबकि उसके कॉस्ट कम से कम बना रहे। तो इस तरीके के टास्क के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन सेट डिज़ाइन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिक डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन।
जब हम कंप्यूटर डिज़ाइन के लिए टास्क को देखते हैं तो दोनों टर्म्स जैसे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इन दोनों का काम आता है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का कोई प्रॉपर डेफिनेशन देना आसान काम नहीं है, ना ही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। लेकिन जब हम डिस्क्राइब करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, तब हमें इन टर्म्स से दो चार होना पड़ता है। लिटरेचर में कंप्यूटर साइंटिस्ट इन दोनों चीज़ों के बीच में कोई अंतर बनाना चाहते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब होता है ऐसे पैरामीटर्स किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के जो कि दिखाई देते हैं एक प्रोग्रामर को, या फिर ऐसे पैरामीटर्स जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है प्रोग्राम के लॉजिकल एग्जीक्यूशन पर। आर्किटेक्चर एट्रीब्यूट्स का एग्जांपल हम बोल सकते हैं जैसे कि इंस्ट्रक्शन सेट, नंबर ऑफ बिट्स जो कि यूज होता है डिफरेंट डेटा टाइप्स में, इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म और टेक्निक्स मेमोरी को एड्रेसिंग के लिए। कंप्यूटर आर्किटेक्चर रिफर करता है उन सारे ऑपरेशनल यूनिट से और उनकी इंटरकनेक्शन से जो कि रियलाइज़ करते हैं आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन को। एग्जांपल के लिए ऑर्गेनाइजेशन एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें हार्डवेयर डिटेल्स प्रोग्रामर को दिखाई देती है, जैसे कि कंट्रोल सिग्नल, इंटरफेसेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स और मेमोरी टेक्नोलॉजी यूज्ड। बेसिक कंप्यूटर मॉडल एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के मॉडल को डिस्क्राइब किया जा सकता है चार बेसिक यूनिट्स में, हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के तौर पे। ये बेसिक यूनिट्स हैं सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट CPU, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं CPU से, CPU आउटपुट डिवाइसेस से भी कनेक्टेड होते हैं, और CPU मेमोरी से टू वेज में कनेक्ट होता है, यानी मेमोरी से वो सूचना लेता भी है और मेमोरी को सूचना देता भी है। बेसिक कंप्यूटर मॉडल्स और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल। सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट CPU। CPU में दो बेसिक ब्लॉक होते हैं। पहला होता है प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, जिसे PC भी कहते हैं। प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में एक सेट ऑफ रजिस्टर होता है, कंट्रोल सर्किट होता है जिससे कंट्रोल सिग्नल को जनरेट किया जाता है। एग्जीक्यूशन यूनिट या डाटा प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन करता है एक सेट ऑफ रजिस्टर ताकि डेटा स्टोर किया जा सके, और अर्थमेटिक और साथ में इसमें होता है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिससे कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन किया जा सके। इसके अलावा CPU में कुछ एडिशनल रजिस्टर्स भी होते हैं जिसमें कि डाटा टेम्प्ररी फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट की हेल्प से डेटा आउटसाइड से कंप्यूटर को सप्लाई होता है। प्रोग्राम या डाटा रीड होता है मेन स्टोरेज में इनपुट डिवाइस की मदद से, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज अंडर द कंट्रोल ऑफ CPU इनपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, ड्राइव एटसेट्रा। नेक्स्ट पार्ट है आपका आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट की हेल्प से कंप्यूटर के रिजल्ट यूज़र को प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर स्टोर्ड होते हैं एक स्टोरेज डिवाइस में परमानेंटली फ्यूचर यूज़ के लिए। आउटपुट डेटा मेन स्टोरेज से होता हुआ आउटपुट डिवाइस में जाता है जो कि CPU के आउटपुट इंस्ट्रक्शन पे जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एटसेट्रा। मेमोरी यूनिट का यूज़ होता है डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। CPU वर्क कर सकता है मेमोरी यूनिट में स्टोर इन्फॉर्मेशन के साथ। ये मेमोरी यूनिट को बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी मॉड्यूल। ये जो होते हैं बेसिकली सेमीकंडक्टर मेमोरीज होते हैं। यहाँ पर दो तरह के सेमीकंडक्टर मेमोरीज होते हैं। पहला होता है वोलेटाइल मेमोरी, जिसे में हम बोलते हैं रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी कि ROM, रीड ओनली मेमोरी, PROM, प्रोग्रामेबल ROM, EPROM, इरेजेबल PROM, EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM। सेकेंडरी मेमोरी एक और तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी से अलग होता है, जिसको बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है और इसका यूज़ किया जाता है डेटा और प्रोग्राम के परमानेंट स्टोरेज के लिए। एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज में है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारे मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं। CD-ROM एक ऑप्टिकल डिवाइस है। थंब ड्राइव एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ कंप्यूटर।